कल मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स बताए थे और आज मैं आपको सेंटेंस करेक्शन का थर्ड लेक्चर बता रहा हूँ। अगर आपके अर्ली के दो लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए और हेल्प मैटर्स सर्च करिए और वहाँ पे मेरी सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेंटेंस करेक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस करेक्शन जब भी आप करें तो आप कभी ऑप्शन पे मत जाइए, ठीक है। और मैंने आपको चार रूल्स बताए थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला रूल ये था कि बिगनिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल पेशेंसली आपको सेंटेंस पढ़ना है। सेकेंड रूल ये था कि आपको बिगनिंग से लेकर लास्ट तक टेंस की हीरो देखनी है। थर्ड रूल ये था आपको वर्ब की हीरो देखनी है। फोर्थ रूल ये था कि जो भी कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं और जो भी मैंने हीरोस आपको स्पेशली बताई है कि ये हीरोस है, बीच के लेक्चर से बताइए और वीडियो अपलोड करके बताइए, तो वो हीरोस आपको बेसिकली अगर याद है और वो हीरोस आपको मिल जाती है, मतलब इतने सब कुछ में अगर आपको हीरोस मिल जाती है तो आप एग्जाम में करिएगा। और मोस्टली 90% हीरोस तो इसी बेस पे ही होती है, फिर भी अगर कुछ रह जाती है, ठीक है ना, तो आप उसको स्किप करिएगा। अगर वो आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आती, अगर वो जो भी मैंने आपको बताया उसमें नहीं आती, तो आप उसको स्किप करिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब बताया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सेंटेंस है, होम सिक्योरिटी इज ब्लॉजमिंग फॉर टॉय मेकर्स दैट कैन मैच द टेक्निकल पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड द मास मार्केट प्राइसेस दैट कम फ्रॉम लार्ज प्रोडक्शन रन्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, बिगनिंग सेकंड लास्ट तक हमने आराम से पढ़ लिया, समझ लिया। सेकंड क्या था हमारा, टेंस की हीरो देखनी थी। क्या टेंस तो पूरा प्रेजेंट ही चल रहा है यहाँ पे, कहीं भी पास्ट या फ्यूचर आया नहीं आया, तो प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। टेंस भी सही है, वर्ब भी सही है, क्योंकि रन्स आ रहा है, मैच आ रहा है, वर्ब भी सही है, कम आ रहा है, ठीक है, तो वर्ब भी सही है, ठीक है। अब क्या काम हमारा रहेगा, कनेक्टर्स देखने हमें ना, तो देखिए कनेक्टर देखते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। होम सिक्योरिटी इज ब्लॉजमिंग फॉर टॉय मेकर्स दैट कैन मैच, बस हमें हीरो मिल गई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैट लिखा है, दैट रॉन्ग है ना, क्यों, हम बात किसकी कर रहे हैं, टॉय मेकर्स की बात कर रहे हैं। होम सिक्योरिटी इज ब्लॉजमिंग फॉर टॉय मेकर्स हु कैन मैच द टेक्निकल पार्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड द मास मार्केट प्राइसेस दैट कम फ्रॉम लार्ज प्रोडक्शन रन्स, तो हमें हीरो मिल गई, तो हम यहाँ से आंसर अपना टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, होम सिक्योरिटी इज ब्लॉजमिंग फॉर टॉय मेकर्स हु कैन मैच द टेक्निकल पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो देखिए कनेक्टर का काम क्या होता है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करना, इसलिए हमेशा कनेक्टर का हमें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए सेकेंड देखते हैं, फॉर स्मॉलर रिटेलर्स एंड वेबसाइट्स विच पे रेगुलर। अब देखिए अब आप जब भी हीरो करेंगे तो आपको कनेक्टर हमेशा याद आएगा, ठीक है। ठीक है, ये मेरे लिए एक्चुअली विनिंग है, क्योंकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अब आपको चीजें अगर आने लगेंगी, ठीक है। तो देखिए फॉर स्मॉलर रिटेलर्स एंड वेबसाइट्स विच पे रेगुलर, तो विच सही है ना, क्योंकि विच कनेक्ट कर रहे हैं, विच किसको डिनोट कर रहा है, वेबसाइट्स को डिनोट कर रहा है, तो फॉर स्मॉलर रिटेलर्स एंड वेबसाइट्स विच पे रेगुलर मेल रेट्स, ठीक है, एंड मे बी शिपिंग फ्रॉम ओनली वन लोकेशन, फ्री शिपिंग इज नॉट नियरली एज अफोर्डेबल एंड ऑफन मस्ट बी एडेड इनटू प्राइसेस। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या कभी आपने ये सुना है टॉकिंग और वॉक, टॉकिंग एंड वॉक, या फिर वॉक एंड टॉकिंग, नहीं ना, आपने हमेशा सुना होगा वॉक एंड टॉक, ओके, यही आपने सुना होगा हमेशा, ठीक है। ईट एंड रन, क्या आपने कभी ये सुना है ईट एंड रनिंग, नहीं ना, ईट एंड रन सुना होगा, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म लॉ, ठीक है, जो ये इस सेंटेंस में फॉलो नहीं हो रहा। देखिए लिखा हुआ है फॉर स्मॉलर रिटेलर्स एंड वेबसाइट्स विच पे रेगुलर मेल रेट्स एंड मे बी शिपिंग। देखिए जब भी कोई कनेक्टर दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है तो वो दोनों कनेक्टर दोनों कनेक्ट उन दोनों सब्जेक्ट को मतलब जो कनेक्टर दो सब्जेक्ट को जब कनेक्ट करता है उन दोनों सब्जेक्ट को पैरेललिज्म लॉ फॉलो करना चाहिए। पैरेललिज्म लॉ क्या मैंने बताया आपको, इसे यहाँ लिखा हुआ विच पे रेगुलर मेल रेट्स एंड मे बी शिपिंग लिखा है, शिपिंग रॉन्ग है ना, क्यों, यहाँ पे अगर लिखा होता रेगुलर मेल रेटिंग एंड मे बी शिपिंग तो ये सही होता, बट यहाँ लिखा हुआ रेगुलर मेल रेट्स एंड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मे बी शिप, ठीक है ना, मे बी शिप होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये एरर हमने इसकी भी निकाल ली, ठीक है। तो हमें अब अगर आंसर चेक करना है तो आंसर कैसे चेक करेंगे, फॉर स्मॉलर रिटेलर्स एंड वेबसाइट्स विच पे रेगुलर, देखिए विच इसमें है और किसमें विच है, इसमें है,
बाकी और एक इसमें इसमें बाकी सब के बी और सी एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखिए चेक करना, देखिए यहाँ क्या लिखा था, शिपिंग लिखा था तो शिपिंग तो रॉन्ग हो गया, ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया, बचा गया डी और ई। तो देखिए विच पेज डी देखते हैं, विच पेज रेगुलर। अब मुझे एक चीज बताइए, देखिए फॉर स्मॉलर रिटेलर्स एंड वेबसाइट्स विच पे। अब बताइए वेबसाइट्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए जो ऑलरेडी दी हुई है कोई स्टेटमेंट में भी। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, विच पेज लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है ना। तो आंसर सही क्या होगा, विच पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए थोड़ा देखते हैं, देखिए एक फ्रेज होता है जिसको बोलते हैं नोशन दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोशन ऑफ, जो रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, द नोशन दैट गोल्ड बीइंग मोर एक्सपेंसिव देन एवर हैपेंस टू फिट विद अ लार्जर नैरेटिव व्हिच आल्सो डज नॉट स्क्वायर विद द फैक्ट्स namely that inflation is an imminent threat, ठीक है। अब हम जाएंगे ऑप्शन पे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा चूज करें, तो देखिए the notion that gold is more expensive as ever happens to fit, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे as लगा है। देखिए कभी भी हम comparison करते हैं, जब भी हम comparison करते हैं तो हमेशा वहां पे then लगाते हैं, as नहीं लगाते, ठीक है। तो ये as लगा है यहाँ पे, तो ये wrong हो गया, रॉन्ग हो गया ना। अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे हैं, दैट वाले, सी बचा है और ई बचा है, बाकी तो सब एलिमिनेट हो गए। देखिए सी देखते हैं, लिखा है दैट गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन एवर हैपेंस टू फिट विद अ लार्जर नैरेटिव दैट आल्सो डज नॉट स्क्वायर विद द फैक्ट्स नेमली दैट। तो ये हमें सही लग रहा है, चलिए इसको देख पढ़ लेते हैं, दैट गोल्ड इज एज एक्सपेंसिव, देखिए फिर रॉन्ग इन्होंने करा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है फॉर इयर्स एम्प्लॉयज हैड सीन व्हाट दे पेड टुवर्ड हेल्थ केयर इंक्रीजेस एज कंपनीज आस्क देम टू कंट्रीब्यूट मोर फॉर प्रीमियम्स एंड डिडक्टिबल्स। अच्छा बताइए, सबसे पहले हमें काम क्या करना था, पूरे इरर को या पूरे सेंटेंस को हमें सही से पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। सेकेंड टेंस इरर देखनी होती थी ना, तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, फॉर इयर्स एम्प्लॉयज हैड सीन What they pay toward healthcare increases। देखिए ये तो पूरा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, पर ये अकेले जो है ये पास परफेक्ट में लिखे हुए हैं, सिर्फ ये अकेला पास परफेक्ट में लिखा हुआ है, had seen, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रेजेंट आना चाहिए ना, प्रेजेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर योर्स एम्प्लॉयज हैव सीन What they pay toward health। अब देखिए have seen आपको कहाँ दिख रहा है, have seen। तो हमारा आंसर क्या होगा, C और E में हमें चूज करना होगा। देखिए C और E में दिख रहा है ना have seen। तो अब देखिए चेक कर लेते हैं, For years employers have seen what they pay toward health care increase as companies ask them to contribute more to premiums and deductibles। ये तो सही लग रहा है, चलिए E चेक कर लेते हैं, have seen what they paid toward healthcare increasing as companies are asking them to contribute more to premiums and deductibles, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, increasing है, companies increasing as companies are asking them to contribute more to premiums and deductibles। तो यहाँ पे excessive continuous form use हुआ, जो मैंने आपको last lecture में बताया था कि excessive भी use नहीं करते हैं। तो हमारा answer क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब एक एरर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस टू और वेरी में क्या होता है, देखिए टू एक नेगेटिव वर्ड होता है और वेरी होता है एक पॉजिटिव वर्ड। अगर हम बोलते हैं ही इज वेरी स्मार्ट, ही वो इतना स्मार्ट है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारे काम अच्छे से कर लेता है, तो हमें पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे वेरी यूज करेंगे। अगर हम बोलेंगे ही इज टू स्मार्ट, वो इतना स्मार्ट है कि वो सारे गलत काम करता है, तो हम यहाँ पे टू लगाएंगे। तो टू और वेरी में डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होता है। ही इज, जैसे हम बोले ही इज टू टॉल, वो इतना लंबा है कि वो झुक के झुक झुक भी नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पे टू क्या है, सही है, तो हम यहाँ पे वेरी नहीं लगाएंगे। वेरी हमेशा पॉजिटिव टर्म के लिए यूज होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, और टू जो है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए मैं इसके भी और लेक्चर्स अपलोड करूंगा, कल मिलते हैं, कल नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय।
टेक केयर, बाय बाय।